जावद तहसील की अरनिया मामदेव में 11 जून को भगत राम गायरी के मौत के मामले में नया पेंच सामने आया है। आज मीणा समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप कर कहा कि राम प्रसाद पिता भक्तिराम गायरी और उनके परिवार के लोग जबरन हमारे खेत पर हकाई जुताई करने लगे, जिसका बालकबरी बाई और परिवारजनों द्वारा विरोध करने पर गायरी परिवार के लोग मारपीट पर उतारू हो गए। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन के बैनर तले मीणा समाज जनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भगत राम गायरी की मौत अन्य किसी कारण से हुई है। मीणा समाज के निर्दोष व्यक्ति देवीलाल को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। समाज के लोगों ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। मीणा समाज का कहना है कि रामप्रसाद गायरी और उनके परिजनों द्वारा बालकबरी बाई के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे इतनी संख्या में और जो एक जो आवाज़ बेटे की उठाने के लिए आप आए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जो विगत 11 तारीख को अन्या मामादा में घटना घटित हुई, उसमें एक भूमाफिया है जो एक खेत पे कब्जा कर रहा था और वो एक विधवा महिला बालकंवरी बाई और उसकी पुत्री और पुत्र वो खेत पे काम कर रहे थे, उनको पता लगा तो उस ट्रैक्टर को रोकने गए। उन्होंने ट्रैक्टर वालों से निवेदन किया कि आप मत हाँको, इसको बंद कर दो। तो उन्होंने कम से कम 25-30 लोगों ने एकजुट होकर उन बेटियों के साथ, उन माताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो सब तरफ फैल रहा है, आप देख रहे हैं। तो उस जब वीडियो उनके साथ मारपीट करी, तब ये बात देवीलाल को पता लगी, तो देवीलाल बीच बचाव में आया और उसकी उन्होंने बचाव के हिसाब से वो बचाव के लिए आया। अब ये जो लोग उनके साथ, जब एक तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बेटियों को सम्मान दे रहे हैं, उनका वो इनको सम्मान दे रहे हैं, और एक तरफ ये जो भूमाफिया है ये बेटियों पे खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि इन भूमाफियाओं पर और जो हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार किया उनको सजा दें, और हमारी जो बेटियों को जिन्होंने मार खाई इनकी, और उनको तो इन्होंने जेल में भेज दिया, और जिन लोगों ने उनको पीटा वो खुलेआम घूम रहे। हमारी यही मांग है कि हमें यह न्याय दिलाएं कि उन जो महिलाओं को, जो शिवराज की बहनें हैं, जो शिवराज की भांजे और भांजे हैं, उनको आप बहाल करें और जो अपराधी हैं उनको सजा दें। नीमच से अब्दुल अली तानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।